नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर न्यू बाईपास स्थित महाकाल ढाबा चलाने वाले दो कारोबारी भाइयों की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों की पहचान गोविंद यादव और उसके भाई राजकुमार यादव के रूप में की गई है। दोनों किशनपुर गाँव के ही रहने वाले हैं। घटना के पीछे सरकारी जमीन पर खुले महाकाल ढाबा का विवाद बताया जा रहा है। मृतक का छोटा भाई गुलशन डबल मर्डर का चश्मदीद गवाह है और उसने किशनपुर के ही विक्रम यादव, विक्की, सुमन, बमबम, अरविंद, किशन देव सहित 10 लोगों के द्वारा ढाबा विवाद में शराब पीकर अपने दोनों भाई की हत्या किए जाने की बात बताई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। होटल पे मतलब सर, होटल में रहता तो पहले होटल चाचा दिया था चलाने के लिए, तुम सब चला सर, होटल दिया था तो चलाते थे। 15 दिन पहले शादी था, दोनों पार्टनरशिप होटल चला रहे थे सर। मतलब 15 दिन पहले शादी था तो विक्रम को बोला कि अभी शादी ही चल रहा है, मैं क्योंकि जिन मैं अभी होटल नहीं चल गया 15 दिन तक भी चला बस, क्योंकि जो 15 दिन में अब बोला कि होटल के लिए हम लोग अब हम होटल में रह गए, होटल का ही लड़ाई था। बोला कि होटल में मुड़वा, वो बोला कि 90,000 हम लोग दे दें तो होटल में रही है। विक्रम बोला, हाँ विक्रम भैया बोला कि पैसा कथे रहो तो 90,000 के होटल में जिसने लगे लो उसने पैसा दे रहे। बोला कि सामान तो लिख ले लो जो मकान पैसा कहाँ दो, हमारा पास होता पैसा नहीं जी। विक्रमा सब तारू रुके लिया नीचे सर, जिस दिन मैं और विक्रमा फोन करके सबको बुलाया सर, उसको भी संदेह दिया था सबको, और वो सब मार के कल गया नीचे। किसको किसको गोली मारा है? दोनों भैया को सर, गोविंद यादव और राजकुमार यादव। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों भाइयों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दोनों भाइयों की हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही सीटी एसपी पुरंजा, डीएसपी निसार अहमद शाह, सार्जेंट मेजर के शर्मा सहित बड़ी संख्या में कई थाने की पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर की मुजाहिदपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए 4 अपराधियों को ह्यूमन राइट्स का बड़ा बोर्ड लगे कार से भारी मात्रा में हथियार और 2 अष्टधातु की मूर्ति के साथ धर दबोचा। दरअसल सीनियर एसपी नितासा गुड़िया को यह गुप्त सूचना मिली कि मुजाहिदपुर इलाके में कुछ अपराधी कार पर हथियारों से लैस होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद सीनियर एसपी ने मुजाहिदपुर थाना प्रभारी सुबोध कुमार को वाहन चेकिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान इष्टगुरट्टा रोड काली मंदिर के पास एक कार से 4 युवकों को हथियार के साथ धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों में जमील इकबाल, जमील अहमद, मासूम अंसारी और शाहनवाज शामिल हैं। शाहनवाज बरारी का रहने वाला है जबकि बाकी तीनों मुजाहिदपुर के मियां साहब मैदान के पास के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर जमील इकबाल के घर से 2 देसी मास्केट, अष्टधातु की 2 मूर्तियां और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद कारतूस में 2 प्रतिबंधित बोर की है जो सिर्फ पुलिस को ही सप्लाई होती है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से कुल 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 2 देसी मास्केट, 21 गोलियां, अष्टधातु की 2 मूर्तियां, 1 बाइक और 1 कार बरामद किया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी पूरन कुमार जाम मुजाहिदपुर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जाँच में जुट गए और अनुसंधान कर पूरी जानकारी देने की बात कही। भागलपुर के पीरपैंती इसीपुर थाना क्षेत्र के सामपुर गांव में नाबालिग को घर में अकेला देखकर पड़ोस के ही एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर युवक ने नाबालिग को मारपीट कर जख्मी कर दिया और जब छात्रा चीखने चिल्लाने लगी तो उसके आवाज़ को सुनकर पड़ोस के रहने वाले उसकी चाची दौड़ते हुए पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि गांव के ही पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम अंसारी हाथ में तलवार लेकर उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने इसीपुर थाने में मामले को लेकर लिखित आवेदन भी दिया है। वहीं गाँव के ही युवक के द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास से आक्रोशित लोगों को समझाने और मामले को शांत कराने के लिए स्थानीय थाना पुलिस और कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही कहलगांव SDPO कृष्णा मौके पर पहुंची और आरोपी युवक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर लोगों को शांत कराया।
देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर छिड़े बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय पासवान ने बड़ा बयान देते हुए बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लागू किए जाने की बात कही। भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधान पार्षद संजय पासवान ने ये बातें कही। उन्होंने कानून को हर हाल में लागू किए जाने की वकालत करते हुए कहा कि कानून लागू होने से ही इसका असर दिखेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जन जागरूकता कर जनसंख्या पर नियंत्रण किए जाने की बात पर बिफरे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शराबबंदी कानून पर ही बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अगर जन जागरूकता से सब ठीक हो जाता तो फिर बिहार में शराबबंदी को लेकर कानून क्यों बनाया गया। जन जागरण चलाया जाता, लोगों को जागरूक किया जाता, कानून नहीं बनाया जाता। हालांकि उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का असर हुआ है। इस बाबू ने कहा ना कि भाई जन जागृति के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण पाएंगे हम सब लोग, तो हमने केवल उनसे ये कहा कि जन जागृति के माध्यम से हम लोग शराबबंदी भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने जन जागृति भी चलाया और एक्ट भी कानूनी बनाया हम लोगों ने। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानूनी बने और जन जागरण भी हो, ये हमने सलाह दिया है। देखिए कंप्लीट तौर से न तो कानून बनने से न जन जागरण के माध्यम से ये सब रुकने वाला है, मगर बहुत हद तक रुका है। इसमें हमारी बिहार की सरकार को बधाई देते हैं हम सब लोग हैं कि शराबबंदी रुका है, शराबबंदी के बाद जो अपराध होते थे वो रुका है, हंगामा जो होता था वो सब रुका है, जो उपद्रव था रुका है। उसी ढंग से कानून बना करके जनसंख्या नियंत्रण भी हो, ये बिहार उसमें पहलकदमी करे, हम भाजपा के लोग कह रहे हैं और जदयू की बड़ी संख्या में लोग सहमत इस बात के लिए हैं। इन दिनों भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों को जाम की समस्या से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर घंटाघर चौक से तिलका मांझी चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक जेसीबी चला। सड़क के किनारे अस्थायी दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान लगाए जाने और खरीदारी करने आए लोगों के द्वारा बेतरतीब तरीके से दोपहिया और चारपहिया वाहन लगाए जाने से लगने वाले जाम को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष बल के जवान के साथ साथ महिला पुलिस भी मौजूद थी। कई जगह दुकानदारों और प्रशासन में नोकझोंक भी होते दिखा। कई दुकानदार कोरोना काल का हवाला देकर दुकान लगाए रखना चाहते थे, परंतु प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमित जगह से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम के प्रबंधक रवीश चंद्र वर्मा को दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया था। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल पर सवार होकर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च भागलपुर के कचहरी चौक से निकलकर स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, अभय आनंद, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद सोइन, राकेश शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल और ठेला पर सवार होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, पूंजीपतियों और अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम होने के बावजूद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है। पेट्रोल और डीजल वृद्धि कीमत में, सरसों तेल सभी चीज़ों में आग लगाती है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से कीमत क्या बढ़ा पेट्रोल डीजल का कांग्रेस की सरकार में। आप देख लीजिए उसमें क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में $110 प्रति बैरल से भी अधिक था और आज क्रूड ऑयल का कीमत इंटरनेशनल मार्केट में मात्र $73 प्रति बैरल है। फिर भी उस समय पेट्रोल और डीजल 55 से 60 रुपए के बीच बिक्री होता था, जनता को मिलता था, आज 100 के पार। आज से भागलपुर के लाजपत पार्क के समीप स्थित आईएमए बिल्डिंग में कोरोना टीकाकरण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां आम लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर टीका दिया जाएगा। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, आईएमए के अध्यक्ष संदीप कुमार लाल और चिकित्सकों के द्वारा फीता काटकर और दीप जलाकर किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण काल में अच्छा काम करने वाले चिकित्सकों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि भागलपुर जिले में टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से 100 नए टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। जुलाई माह के अंत तक जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्र में 100% तक टीकाकरण का पहला डोज कराए जाने को लेकर प्रशासन काम कर रही है। हम लोगों का ड्राइव लगातार चल रहा है
और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जुलाई माह के अंत तक भागलपुर नगर निगम क्षेत्र को हम लोग सैचुरेट कर दें, 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग जाए। इसके लिए हम लोगों की लगातार तैयारी चल रही है। कल और परसों 2 दिन विशेष ड्राइव रहेगा और हम लोग भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में 100 टीकाकरण केंद्र सेशन साइट हम लोग बनाने जा रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने खुलेआम सुशासन के दावे करने वाले सरकार और सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल एक शादी समारोह में खुलेआम अपराधियों ने लगातार हर्ष फायरिंग कर ना सिर्फ वहां पर मौजूद लोगों को दहशत में डाल दिया बल्कि बेगूसराय पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली। आपको बता दें, विगत महीनों में बेगूसराय में लगातार हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें यह ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के गाछी टोला की बताई जा रही है। मोहल्ले के लोगों की माने तो इस वायरल वीडियो में जो फायरिंग कर रहा शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम मनोज पासवान है, जिसके पिता फूकी पासवान जो नगर थाना क्षेत्र के गाछी टोला वार्ड नंबर 30 का रहने वाला है और पास के एक पड़ोसी के शादी समारोह में धड़ल्ले से पिस्टल लहराते हुए हर्ष फायरिंग कर रहा है। अब ऐसे में बेगूसराय में वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। पीएम मोदी की आकृति वाला गुल्लक बनाकर ये मूर्तिकार इन दिनों खूब चर्चा में है। ये गुल्लक दिखने में इतने प्यारे हैं कि इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इस गुल्लक के जरिए ये मूर्तिकार बच्चों के बीच पीएम मोदी के संदेश को फैलाना चाहते हैं, साथ ही लोगों को बचत की भी प्रेरणा देना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले इस मूर्तिकार का नाम जयप्रकाश है। पीएम मोदी की मुरीद जयप्रकाश इससे पहले भी पीएम मोदी की प्रतिमा बनाकर सुर्खियों में आ चुके हैं। वे अब पीएम मोदी की आकृति वाले मनी स्टोरेज बैंक यानी गुल्लक कर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मूर्तिकार जयप्रकाश ने बताया कि उन्हें यह गुल्लक बनाने का आइडिया तब आया जब पीएम मोदी ने पिछले साल जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। जयप्रकाश का कहना है कि पीएम मोदी देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने पैसे बचाने के लिए इसे बनाने का फैसला किया। इस गुल्लक में करीब 1,00,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस गुल्लक को बनाने में जयप्रकाश को करीब 1 महीने का समय लगा, जिसके बाद उन्होंने इसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जयप्रकाश कहते हैं इसका उपयोग बच्चों को पीएम मोदी के बारे में सिखाने के लिए भी किया जा सकता है। जयप्रकाश पीएम मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पर देश भर में प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार में भी पिछले 2 दिनों से नेताओं के बयान सामने आए हैं लेकिन बुधवार को इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुप्पी साध गए। होटल चाणक्या में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यशाला में वो जनसंख्या के गणित समझाने के दौरान राज्य का गणित समझा रहे थे। बढ़ती जनसंख्या के साइड इफेक्ट भी बता रहे थे लेकिन कानून के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यूपी के कानून के सवाल पर कहा कि सरकार की रणनीति होती है जिस पर स्वास्थ्य विभाग काम करता है। जनसंख्या नियंत्रण संपूर्ण समाज के सहयोग से संभव है। इसमें जन जागरूकता, जन अभियान, सबका साथ और सबका सहयोग ही इस पर नियंत्रण लगा सकता है। भागलपुर नगर निगम प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों की बातों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वार्ड पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल भागलपुर नगर निगम के वार्ड 43 के लोगों की मूलभूत समस्याओं जल, नाला, सड़क और साफ सफाई को लेकर वार्ड पार्षद के द्वारा निगम प्रशासन को कई बार इसकी लिखित और मौखिक जानकारी दी गई है लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से परेशान वार्ड पार्षद अरशदी बेगम अपने मोहल्ले वासियों के साथ नगर निगम परिसर पहुंचकर मुख्य गेट के समीप निगम प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरने पर बैठ गई। इस दौरान पार्षद ने निगम प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं दिए जाने की बात करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा, मोहम्मद सोनू सहित बड़ी संख्या में वार्ड 43 के लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें कि लगभग 10 माह के बाद भागलपुर नगर निगम का चुनाव होने वाला है और चुनावी वर्ष होने के नाते जनप्रतिनिधियों का अपनी जनता के प्रति लगाव बढ़ना लाजमी है, मगर यह पब्लिक है जो सब जानती है। मेरे वार्ड में लेबर नहीं है, ना ही ठेला है, साफ सफाई होने रहा, पूरा वार्ड एकदम गंदा पड़ा हुआ है। पानी का भी बहुत दिक्कत है, पानी का एक भी स्टेट बोरिंग मेरे वार्ड में नहीं है। एक प्याऊ दिया था वो भी 150-200 साल से खराब पड़ा हुआ है।